तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपकी समसामयिक घटनाचक वार्षिकांक के बारे में, जो आपका ई दृष्टि निकलता है ना यूपीपीसीएस के टाइम, आप लोग देखते होंगे। तो ये बुक्स वही है। तो वैसे ये बुक्स तो वैसे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहती है, खासकर चाहे आपका वो स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, यूपीएससी, फिर चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका, जहाँ भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हो उन सब के लिए जरूरी है। तो इसमें आपका राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य भी आपका देख चुके थे, वैज्ञानिक परिदृश्य में हम लोग बात कर रहे थे आपका, इसमें दो टॉपिक आपके खत्म कर चुके हैं, अद्यतन खगोलीय गतिविधियां और अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। एक बात और याद रखिए, आपकी जितनी भी अभी तक क्लासें ली जा चुकी है वो सभी समसामयिकी घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से, जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनाई हुई है हम लोगों ने, उसी में डली हुई है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस बार पे चाहे आपका मेंस हो, फिर चाहे आपका वनडे एग्जाम प्रीलिम्स हो, इस बार आपका कोरोना वायरस से, COVID-19 से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना हो। मेंस में आप देखना, मुझे लगता है कि इससे या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस या इनडायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ ही क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपने देखा है कि अर्थव्यवस्था, देख लीजिए, फिर किसी भी क्षेत्र को आप देखिए, कोरोना महामारी ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। और अधिकतर आप लोग आर्टिकल देखते थे हम लोग जब, तो उसमें अधिकतर आर्टिकल आपको कोरोना वायरस से जुड़े हुए मिलते थे। तो इस टॉपिक को मुझे लगता है कि अच्छे से पढ़ लेना। शरीर एवं स्वास्थ्य विषय वैज्ञानिक गतिविधियां जो 2019-20 में हुई है, तो कोरोना वायरस का कहर, 31 दिसंबर 2019 को चीन ने हुबेई प्रांत की वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया की कुछ मामलों की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी थी। तो याद रखिए, एक तो सबसे पहले कि WHO के बारे में वैसे हम लोग बात कर चुके थे, पर भी बता देता हूं कि इसकी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना, हुबेई प्रांत की वुहान शहर में, ये चीन में है, तो यहां सबसे पहले शुरू हुआ यहीं से। 9 जनवरी 2020 को WHO ने अपने एक आधिकारिक बयान में यह कहा कि चीन के वुहान शहर में जिन अज्ञात कारणों से निमोनिया के कुछ मामलों की पुष्टि हुई थी, उसकी चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस नामक एक नए प्रकार के वायरस के रूप में पहचान की है। ये आप समझ रहे हैं, 9 जनवरी 2020 को WHO ने एक तरह से घोषणा कर दी थी। हम लोग कब जागे, आप समझ रहे हैं, मार्च में हम लोग जागे। अगर हम लोग जनवरी से ही व्यवस्थाएं कर लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और अर्थव्यवस्था हमारी इतनी बुरी तरह से प्रभावित ना होती। लेकिन आपने देखा है, नहीं ध्यान दिया गया। जब इस वायरस की पहचान की गई थी, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इसे नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया था। तो इसका एक तरह से दूसरा नाम है, इसे भी याद रखिए। परंतु बाद में 11 फरवरी 2020 को इस वायरस का नाम सार्स कोव 2, जिसे आप लोग COVID-19 भी बोलते थे, रखा, और इस वायरस से जनित बीमारी का नाम COVID-19 रखा, यानी कि 2019 में होने के कारण 19। वायरस को यह नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसलिए दिया क्योंकि यह वायरस अतीत में 2019 में 19 के सार्स महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस से अनुवांशिक रूप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे आपका ये नाम दिया गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को COVID-19 यानी कि COVID-19 को वैश्विक महामारी यानी कि पैंडेमिक घोषित किया है। तो कब किया है, 11 मार्च 2020 को, फिर भी हम लोग नहीं जागे, आपने देखा है। 30 जनवरी 2020 को पहली बार भारत के केरल राज्य में COVID-19 के संक्रमण की पुष्टि की गई थी। तो ये भी तो पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहले हमारे भारत में कहाँ मिला था, तो केरल में 30 जनवरी 2020 को केरल राज्य में। ठीक है, COVID-19 संक्रमण से भारत में मौत का पहला मामला कर्नाटक की कलबुर्गी में विकास में आया था। तो केस के बारे में अगर आपसे पूछे तो केरल में मिला था। अगर आपसे पूछे कि कोरोना महामारी से मौत किस राज्य में पहली हुई थी, पहला मामला, तो ये कर्नाटक के कलबुर्गी में विकास में आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका सहित कई अन्य देशों को
दवाओं की आपूर्ति की, जिसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा प्रमुख थी। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार एक तरह की दादागिरी दिखाई थी कि वो मुझे चाहिए जबरदस्ती, समझ रहे हैं, उस समय आपने काफी चर्चा में भी रही थी। तो ये थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। अभी तक 7 कोरोना वायरस की पहचान की जा चुकी है। कोरोना वायरस विषाणु का एक परिवार है जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार भी है। सामान्य मानव कोरोना वायरस इस समूह के अंतर्गत 4 प्रकार के कोरोना वायरस शामिल किए जाते हैं। 229 ई अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस और OC43 यानी कि 43 बीटा कोरोना वायरस। फिर आप देखेंगे HKU1 को बीटा कोरोना वायरस, इन 4 प्रकार को भी याद रखिए, ठीक है। अन्य मानव कोरोना वायरस की बात करें तो इन समूह के अंतर्गत 3 प्रकार के कोरोना वायरस शामिल किए गए हैं। MERS को बीटा कोरोना वायरस जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। फिर आप देखेंगे SARS को ए बीटा कोरोना वायरस जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। फिर आप देखेंगे SARS कोविड 2 ए वर्तमान वैश्विक महामारी के लिए जिम्मेदार नोवेल कोरोना वायरस है, ठीक है। भारत में COVID-19 की जांच के लिए निम्नलिखित 3 परीक्षण तकनीकों को प्रयोग में लाया जा गया है। पहला है आपका RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन। फिर दूसरी आप देखेंगे TRO-9, फिर आप देखेंगे CBNET, ठीक है। ये तीन एक तरह से इसकी जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए तकनीकें हैं। यह मुख्यतः तपेदिक यानी कि टीबी की जांच में प्रयुक्त होता है, जिसका COVID-19 की जांच में भी प्रयोग किया जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किसी व्यक्ति के खून में नमूनों पर आधारित परीक्षण की एक विधि है, जिसमें व्यक्ति में COVID-19 बीमारी के प्रति विकसित एंटीबॉडी के आधार पर इस बात का पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है या नहीं। फिर आप देखेंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये सभी आपके कोरोना वायरस से संबंधित ही परीक्षण है, ठीक है। रैपिड एंटीजन टेस्ट परीक्षण की विधि नाक या फिर गले से प्राप्त बलगम बलाय के लार के नमूनों के पर आधारित है। ऐसी विधि जिसमें जो वायरस की सतह या उसके अंदर पाए जाने वाले विशिष्ट एंटीजन या फिर प्रोटीन के आधार पर वायरस का पता लगाती है। COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटनाएं क्या हैं? और याद रखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में हम जरूर आपको याद रखनी है, और जिस स्टेट से हैं उसके बारे में भी याद रखिए। अगर पूछा जाता है आप स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तब भी मुझे लगता है पूछने की संभावना रही। विश्व आर्थिक समुदाय ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में COVID-19 एक्शन प्लेटफॉर्म जारी किया है। किसने? विश्व आर्थिक समुदाय ने, ठीक है। और COVID-19 से संक्रमित होने वाले किसी देश के पहले प्रधानमंत्री ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसी देश के प्रमुख नेता या प्रधानमंत्री कौन पहले प्रधानमंत्री थे जो कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। तो ये थे ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन। प्रिंस चार्ल्स COVID-19 से संक्रमित ब्रिटिश राज परिवार के पहले परिवार है, पहले सदस्य हैं ये, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स, ठीक है। भारत के COVID-19 से संक्रमित होने वाले प्रमुख व्यक्तियों में बात करें तो हमारे गृह मंत्री साहब, भारत के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, महानायक अमिताभ बच्चन और भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसमें शामिल है। ये तीनों लोग तो एक तरह से कवर कर चुके, लेकिन आप जानते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हमारे बीच। आप देखेंगे WHO, UN फाउंडेशन और अन्य सहयोगियों ने मिलकर अपनी तरह का पहला COVID-19 सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड जारी किया है। यह फंड विस्तृत क्षेत्र में से दाताओं से अनुदान प्राप्त करके COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य सहयोगियों की मदद करेगा, ठीक है। तो याद रखना, पूछ ले कि COVID-19 सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड किस लिए है, तो इसलिए कि जो भी कोरोना महामारी है यानी कि COVID-19 है, इसके खिलाफ लड़ाई रखने के लिए आप एक तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य सहयोगियों की मदद करने के लिए। और इन किसने किसने एक तरह से बनाया है उसे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है, UN
फाउंडेशन भी शामिल है और कुछ भी इसमें संगठन शामिल है। अब देखिए, सबसे जरूरी है कि COVID-19 संबंधित केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाएं, इसमें राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है। जैसे कोरोना कवच, ये किसने जारी किया था? भारत सरकार ने। ब्रेक द चेन, आप जानते हैं, केरल ने। ऑपरेशन शील्ड, दिल्ली सरकार ने। नाड़ी ऐप, पुडुचेरी ने। आई गॉड, ये भारत सरकार ने। प्रगम ऐप, ये आपका बिहारखंड। कोविड केयर ऐप, अरुणाचल प्रदेश। कोरोना सहायता ऐप, बिहार। आरोग्य सेतु, भारत सरकार हमारी। समाधान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 5G योजना, दिल्ली। करुणा ऐप, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन। 20 ऐप टनल, तेलंगाना। लाइफ टाइम उड़ान, नागर विमानन मंत्रालय। ऑपरेशन नमस्ते, ये भारतीय सेना। नमस्ते ओवरहैंड के सेक, कर्नाटक। मोजीवन, उड़ीसा। आयुष संजीवनी ऐप, केंद्र सरकार। आयुष कवच, ये उत्तर प्रदेश। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म, केंद्र सरकार। कोप्स ऐप, DRDL, मिशन सागर, केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना, मध्य प्रदेश। एक बार और देख लीजिए, मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। तो कोरोना कवच किसका है? भारत सरकार। ब्रेक द चेन, केरल का। ऑपरेशन शील्ड, दिल्ली सरकार। नाड़ी ऐप, पुडुचेरी। हाईकोर्ट, ये भारत सरकार। प्रज्ञम ऐप, झारखंड। कोविड केयर ऐप, अरुणाचल प्रदेश। कोरोना सहायता ऐप, बिहार। आरोग्य सेतु, भारत सरकार। समाधान किसकी पहले, एक तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। 5G योजना, दिल्ली। करुणा ऐप, सिविल सर्विस एसोसिएशन। 20 ऐप टनल, तेलंगाना। लाइफ टाइम उड़ान, नागर विमानन मंत्रालय। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना हमारी। नमस्ते ओवरहैंड सैक, कर्नाटक। मोजीवन, उड़ीसा। आयुष संजीवनी ऐप, केंद्र सरकार। आयुष कवच, उत्तर प्रदेश। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म, केंद्र सरकार। कोपसेक, DRDL, मिशन सागर, केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना, आपकी मध्य प्रदेश सरकार, MP। ठीक। कोवैक्सीन, भारत की प्रथम स्वदेशी COVID-19 टीका, भारत बायोटेक ने ICMR, राष्ट्रीय विज्ञान विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से भारत के प्रथम स्वदेशी COVID-19 टीके कोवैक्सीन का विकास किया है। यह निष्क्रिय टीका है। भारत बायोटेक की जीनोम वैली हैदराबाद स्थित BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है। इस टीके को भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा चरण एक चरण दो के मानव नैदानिक परीक्षण संचालन करने की अनुमति प्रदान की है। एक अन्य भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा COVID-19 के टीके के जाइकोव डी का विकास किया गया है, जिसके द्वितीय चरण के नैदानिक परीक्षण 6 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुए। एक बात आपको लोगों को बताऊं, देखिए बहुत लंबा समय लगता है वैक्सीन आने में, कोई भी टीका आने में। वैसे कम से कम मानिए आप लोग 3 साल लगता है, 3 से 4 साल आ जाए, लेकिन ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, तो मान लीजिए जल्दी आ जाएगा। कितने भी जल्दी आए तो आप सोचिए कि कम से कम 16 से 18 महीने लग जाएंगे। अभी आप लोग देख भी रहे हैं, समझ रहे हो? एकाएक आप ये मत सोचिए कि हम लोग एकाएक किसी को दे दें, मानव पर सबसे पहले मानव पर ही ट्रायल कर लें, इसके नुकसान भी होते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि चरण बाई चरण, आपने देखा वो करंट टॉपिक के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है, उसमें एक आपका पूरा टॉपिक ही यही रहा कि कितने चरण होते हैं, कब कब दिया जाता है, कितना टाइम लगता है, पूरा समझाया गया। अगर आपको लगता है तो आप जाकर देखते रहिए वहां। तो इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए अभी भी सुरक्षा आपको ही रखनी होगी, अपनी और अपने परिवार की। सरकार का हाल आपने देखा है कि सरकार ने आपको छोड़ दिया है, आप जाइए, आप पेपर देने जाइए, लेकिन आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं चल सकती है, संसद मतलब सदन नहीं चल सकते क्योंकि COVID-19 है। लेकिन आप पेपर देने के लिए आप मरिए, चाहे कुछ भी करिए, उसमें सरकार मतलब कोई नहीं हो रहा है। तो आपको खुद सुरक्षित सुरक्षा करनी हुई। ठीक, इन दो को याद रखिए क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, कोवैक्सीन और आपका है दूसरा है जाइकोव डी, ये आपने सुना होगा। स्पुतनिक 5, 11 अगस्त 2020 को रूस के स्पुतनिक 5 को आधिकारिक रूप से पहले पंजीकृत COVID-19 टीके का दर्जा हासिल हुआ है। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आया कि देखिए आप लोगों ने देखा होगा, 1 महीने के करीब हो जा रहा है इसे सुने हुए,
कि आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी इतनी मौतें हो रही हैं। और या तो आप सोचिए क्या प्रॉब्लम है, मतलब कहाँ फंसा हुआ है आंकड़ा, कि कुछ आ ही नहीं रहा है सामने, बाजार में भी उपलब्ध नहीं हो रही। कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन दूर दूर तक हो सकता है। देखिए कोई जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी स्पुतनिक 5 को जरूर याद रखिए। इस टीके का नाम वर्ष 1957 में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा सफलतापूर्वक पृथ्वी पर विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि पूछ लेगा कि स्पुतनिक 5 जो आप कहिए कि टीका है जो रूस का, ये किस नाम पर रखा गया है, इसका नाम पड़ा। तो विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के नाम पर रखा गया है। ये रूस का ही, सोवियत संघ का ही एक उपग्रह था, ठीक है। इस टीके के को रूस के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से मॉस्को स्थित गामा लिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया, इसको भी याद रखिए। टीके के नैदानिक परीक्षण का प्रथम एवं द्वितीय चरण 1 अगस्त 2020 को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह टीका एडेनो वायरस वेक्टर के डीएनए पर आधारित है, जो एक सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस है, ठीक है। पर आप बात करेंगे निमोनिया का स्वदेशी टीका। 14 जुलाई 2020 को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने पूर्णता स्वदेश विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट टीके को बाजार में बेचने की मंजूरी प्रदान की है। यह टीका मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है, इसको बात याद रखिए। निमोनिया के इलाज के लिए स्वदेशी तकनीक से इसे विकसित किया है, पहला टीका है। इस टीके का परीक्षण भारत के साथ साथ गाम्बिया में भी किया गया था। इस टीके का उपयोग शिशुओं में स्टेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु के कारण होने वाले निमोनिया रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षण के लिए किया जाएगा। पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट टीके को 142 से अधिक देशों द्वारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। भारत द्वारा इसको वर्ष 2017 में से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर न्यू मोकोकस 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। निमोनिया फेफड़ों के संक्रमण के अतिरिक्त यह जीवाणु विभिन्न अन्य संक्रमणों के कारण बनता है, जिसमें शामिल है मेनिनजाइटिस और मस्तिष्क में सूजन एवं संक्रमण, इससे सेप्टिसिमिया रक्त का संक्रमण। कुछ भी कहिए आप लोग, लेकिन कोरोना महामारी ने बहुत कुछ सिखाया भी हमें। सबसे पहले तो यही सिखा दिया कि बेटा ऐसा करिए कि आप घमंड मत पालिए, आपकी औकात इतनी है कि आपका एक बाल से भी कई गुना छोटा एक वायरस आपकी औकात आपको मिट्टी में मिला सकता है, समझ रहे हैं। और आपकी दिनचर्या को इस तरह से एक दिन में बदला जा सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप समझिए, जनवरी तक आप लोग ले लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च तक ले लीजिए, आप लोग किस तरह से बिंदास चल रहे थे। आज देखा है आपने कि पूरी तरह से टूट के आप लोग पड़े हुए हो, सब लोग अपने अपने घर डले हुए हैं, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। और अब तो कहा जा रहा है, किसी न्यूज़पेपर को मैं पढ़ रहा था आर्टिकल को, कि इस तरह की देखिए बीमारियां और वायरस अब आते रहेंगे समय समय पर, क्योंकि हम लोगों ने इतना मौसम इससे मतलब पर्यावरण को इतना छेड़ा है, इतना नुकसान पहुंचा है कि अब आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी हमें हर समय। तो अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश कीजिए इस समय में। आगे चलते हैं हम लोग श्रीलंका और मालदीव, खसरा और रुबेला मुक्त देश। 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 2 देश, जिनमें आपका श्रीलंका है और मालदीव, खसरा और रुबेला जैसे संक्रामक बीमारियों से मुक्त हो गए। तो इन दोनों को याद रखिए, श्रीलंका मालदीव। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ये पहले देश 2 देश हैं जिन्होंने वर्ष 2023 के लक्ष्य के पूर्व ही इन दोनों रोगों के उन्मूलन में सफलता प्राप्त की है। बहुत बड़ी बात है कि अपने लक्ष्य से ही पहले आप लोग अपनी मंजिल पा लें, ये अलग बात अच्छी नहीं होती है। मालदीव द्वारा 2009 में खसरा और 2015 में रुबेला का अंतिम मामला दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की बात करें तो 2016 में खसरा का और 2017 में रुबेला का अंतिम मामला दर्ज हुआ था। याद रहे कि किसी देश को खसरा और रुबेला से मुक्त तब समझा जाता है कि जब उस देश में 3 वर्ष से अधिक समय तक इस दोनों रोगों के कारण विषाणुओं के प्रसार की कोई साक्ष्य प्राप्त ना हो, या कि नहीं कि किसी क्षेत्र में 3 साल में कोई मामला ना मिले। भूटान, DPR, कोरिया और तिमोर लेस्ते इस क्षेत्र के अन्य देश हैं जहां खसरा का उन्मूलन हो चुका है। याद रखिए कि खसरा और रुबेला दोनों ही अत्यधिक संक्रामक बीजाणु जनित रोग हैं।
WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 11 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें आप देखेंगे कौन कौन से, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, बांग्लादेश, भूटान, DPR कोरिया, और भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल। ठीक है, भारत भी शामिल है। आप देखेंगे वर्ष 2020 औपचारिका और पेशाविका वर्ष। WHO ने 2020 को औपचारिका और पेशाविका वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। किसे? 2020 को। किसने? WHO ने। 30 जनवरी 2019 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में वर्ष 2020 को औपचारिका एवं पेशाविका वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उपयुक्त प्रस्ताव के WHO के सदस्य देशों की 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जिसका आयोजन 20 से 28 मई 2019 के मध्य जेनेवा में संपन्न हुआ, में सर्वमत सहमति से स्वीकार किया गया। WHO वर्ष 2020 में आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती मना रहा है। इस तरह के पॉइंट भी याद रख लिया करिएगा। अब कहते हो कि क्या क्या याद रखूं, तो इस बार मुश्किल है बता पाना कि क्या क्या याद रखें। ये कहा जाता था कि 1 साल का क्वेश्चन पेपर पूछेगा, 1 साल का करंट, लेकिन इस साल तो आप समझिए कि क्या कह सकते हैं 1 साल में, क्योंकि 20 में कुछ हुआ ही नहीं है ज्यादा। जितनी भी घटनाएं हैं, आप सोचिए कि कोरोना वायरस आया जब से आप लोग बाकी बीमारियों को तो भूल ही गए हैं पूरी तरह से। अब बाकी बीमारियों का तो कोई नाम ही निशान नहीं है। तो वैसा ही हाल है, मुझे लगता है कि जब उंगली में चोट लगती है तो हमें बहुत दर्द होता है, वो याद रहता है हमें उंगली में चोट। और जब हाथ, बड़ी चोट इससे लग जाए कहीं हाथ में या पैर में, तो उस छोटी चोट को भूल जाते हैं, बड़ी चोट को लेके बैठ जाते हैं। तो यही देखा गया। फिर आपने देखा है पाकिस्तान द्वारा नए टाइफाइड टीके लगाने की शुरुआत की है। 15 नवंबर 2019 को पाकिस्तान में एक अभियान के माध्यम से नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आयोजित हुआ। इसमें टाइफाइड सेगुमी टीका नामक टीके का इस्तेमाल किया गया। 2 सप्ताह के इस अभियान को गावी एवं पाकिस्तान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया है। टाइफाइड सेगुमी टीके को वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा औपचारिक मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के इस टीके को अपनी निर्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने वाले वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, टाइफाइड सेगुमी टीके का निर्माण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया गया। इस टीके को वयस्क और 6 महीने आयु तक के शिशुओं को भी लगाया जा सकता है। इस टीके को भारत में TCV के नाम से आप लोग जानते हैं। पता है, मुझे लगता है कोरोना वायरस, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए। वरना आप सोचिए, जो भीख मांगता होगा, मतलब भिखारियों को आपने देखा है जो भीख मांगने हैं, उन्होंने कोई अपनी सेफ्टी नहीं की, उन लोगों को क्यों नहीं हो? आप सोचिए, मतलब है कोरोना वायरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो दिमागी क्षमता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, यही एक तरह से कोरोना वायरस को हराने में सफल है। बना आप खुद सोचिए, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल सेफ्टी नहीं रखे हुए थे। मैंने ठेला वालों को नहीं देखा है, जो रेडी वाले आ रहे थे सब्जी देने के लिए, इनको मैंने कोई मास्क मास्क लगाए नहीं देखा है, कोई सेफ्टी नहीं, फिर भी ये लोग ठीक है स्थिति में। मैं खुद बता रहा हूँ अपनी, यार मुझे तो, मैं तो मतलब ऐसी जगह रहा हूँ कि मतलब आप सोचिए कि हर जगह, मतलब चारों तरफ एक तरह से लोग दिखाई दे, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए इतना कि मेरे दिमाग, इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं सोच के बैठूं ये कि मतलब ऐसी कुछ है। अगर मुझे थोड़ा बहुत बुखार आया भी होगा, सर्दी हुई भी होगी, तो मैंने उस बातों पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। आप जानते हैं कि 2 से 4 दिन रहता है, जुकाम उखाम सब खत्म हो जाता है। अधिकतर कोरोना वायरस मामले में भी तो अधिकतर देखा है, अधिकतर लोग आप देखिए 2 4 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। और आपने देखा मृत्यु दर बहुत कम ही रही है, समझ रहे हैं आप लोग? तो या तो मुझे लगता है कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता की और हमारी दिमाग की क्षमता सबसे बड़ी क्षमता है, एक तरह से दवाई है। मुझे लगता है कि आप लोग देखते होंगे, आपसे कहा नहीं जाता है कि आप जिस समय अपने दिमाग में ला देते हैं कि मैं काश इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, तो उसी दिन फेल हो जाते हैं। अगर आपके दिमाग में मालूम हो कुछ भी हो, यही कहा जाता है ना कि जिसे मालूम है कि हम जीत जाएंगे उस क्षेत्र में तो हर कोई डट कर रह सकता है, लेकिन हमें मालूम है कि हम हार जाएंगे, फिर भी हम लोग अपने मन में या दिमाग में ये शब्द को हावी नहीं होने दें कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा, तब तो मुझे लगता है आप जीत जाते हैं। समझ रहे हैं?
तो अपनी दिमागी क्षमता को तगड़ा रखिए और अपनी जो भी आपको योग करना है, जो भी करना है, करते रहिएगा। और मुझे लगता है कि यही दवाई है। वैसे भी आप देखिए कि कई जुकाम होता है कभी कभी, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम खुद रहे मजबूत तो कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले की अब बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, पेपर पास है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ी बातें भी जरूरी है। अब देखिए, कुछ दिन पहले छोटी माता निकलती थी, चेचक। मैं शायद 11th में था, घर से बाहर रहता था मैं, पता है मुझे निकली, मैं हॉस्टल में था, और मैं थोड़ा मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पर। और आप सोचिए कि इलाज होता है, पूजी जाती हैं, घर जाना पड़ता है, और कहते हैं कि वो दाद भी छोड़ देता है, लेकिन मुझे बहुत भयंकर तरीके से हुई, लेकिन मुझे कोई असर नहीं पड़ा। अब मुझे प्रॉब्लम हुई, दर्द हुआ 2-4 दिन, उसके बाद अपने आप खत्म होके, मैंने कोई पूजा पाठ नहीं की। मैं देखिए वैसे भगवान को मानता हूँ बड़े अच्छे से, और अपने दिल में मानता हूँ। अब आप सोचे मंदिर जाके पुजारी को 2-4 हज़ार रुपये देना या उनके सामने हाथ जोड़ना, मुझे ये आता ही नहीं है। आपको अगर मानना है तो दिल से मानिए, और अगर है आपके पास पैसा तो आप किसी गरीब की मदद कर दीजिए, मैं उसी में भरोसा करता हूँ। देखिए, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, तो मुझे कोई मेरे ना चेहरे पर कहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई दाग नहीं छोड़ा है, समझ रहे हैं आप लोग? तो मुझे लगता है कि खुद रहता है अपने आप पर। आगे बात करते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019। 30 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने, जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस वर्ष वार्षिक रिपोर्ट का ये 14वां संस्करण है। किस नंबर का? 14वां। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तत्वाधान में केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो ने तैयार की है। किसने? केंद्रीय सूचना स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो ने। यह रिपोर्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक आर्थिक, स्वास्थ्य तिथि, स्वास्थ्यविद, मानव संसाधन और स्वास्थ्य अवसंरचना जैसे प्रमुख निगरानी योग्य संकेतकों पर ठोस स्वास्थ्य सुरक्षा सूचना प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में प्रदत्त सूचनाएं स्वास्थ्य क्षेत्र के में ने नीति निर्माण, कार्यान्वयन और शासन और विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की अवधि 49.7, ये वर्ष 1970-75 की बात कर रहा हूँ, वर्ष में 49.7% 7 वर्ष थी। वहीं 2017-12-17 में बढ़कर 68.7 हो गई। आप भी जानते हैं कि 1970-75 की आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखते थे, कि उस समय आप देखिए कि कोई बीमारी आई तो गांव के गांव साफ कर देती थी। आज आप देखते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था हो चुकी है, इसलिए हमारी जीवन जो भी जीवन है वो बढ़ चुका है, अधिक साल हम लोग जीने लगे। तो 1970-75 में था 49.7, और 12-16 में कितना बढ़कर हो गया, या हो गई आपकी 68.7, ठीक है, 687, जैसे भी याद रख सकते हैं, रखिए। 2012 से 16 के दौरान पुरुषों के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.4 वर्ष, महिलाओं में ये 70.2 वर्ष, यानी कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ज्यादा जी रही हैं। देखिए, एक औसत लिया जाता है, फिर आपके दिमाग में आए कि सर कोई तो 200 साल, कोई 150 साल तक जी जाता है, कोई आपका 100 साल जी जाता है, कोई 25 साल की मौत में मर जाता है, तो एक कॉमन संख्या ली जाती है सबको जोड़कर, ठीक है। 2015 एवं 2016 में भारत में कुल प्रजनन दर TFR 2.3 रही है। कितनी? 2.3। भारत में वर्ष 2017 में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 20.2 और 6.3 दर्ज की गई। तो जन्म दर आपकी 20.2 और मृत्यु दर आपकी 6.3। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश प्रति 1,000 जनसंख्या पर जन्म दर उसकी रही है 25.9 दर्ज की गई। कितनी? 25.9। उत्तर प्रदेश की याद रखिए, अगर आप UPPCS में पेपर दे रहे हैं तो। 2017 में उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर की बात करें तो 6.7 दर्ज की गई। भारत में 2017 में प्रति 1,000 जीवित जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर 33 दर्ज की गई। कितनी? 33। 2017 में उत्तर प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 41 दर्ज की गई है, भारत से ज्यादा है यहाँ, ठीक है, 41। 2018 में मलेरिया के संक्रमण उसके चलते मृत्यु के सर्वाधिक मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आप जानते हैं कि सन 2000 में से मध्यप्रदेश से अलग करके बनाया गया था। भारत में काला आजार नामक रोग का कारक लीसमेनिया डोनोवानी नामक परजीवी है।
भारत में काला आजार के सर्वाधिक मामले बिहार में दर्ज किए गए हैं। भारत ने इंसेफ्लाइटिस के संक्रमण उसके चलते मृत्यु के सर्वाधिक मामले असम में दर्ज किए गए हैं। 2015-16 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च 1.02% रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना कम खर्च होता है हमारे यहाँ। शिक्षा पर यही आपका देखेंगे, और आप समझिए कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च जिस भी देश में होता होगा, वो देश हमेशा पावरफुल होगा और विकसित देशों की सूची में होगा। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए बीमारियों से कौन मरता है, अधिकतर गरीब लोग मरते हैं। आपने देखा है कोरोना महामारी में भी तो आपने देखा है कि गरीबों की क्या हालत रही है। बड़े बड़े लोगों ने तो अपने, मैं कई ऐसे विधायकों से को जानता हूँ कि अपने विधानसभा और अपने जिले को छोड़कर उन्होंने राजधानी या फिर आप सोचिए दिल्ली में आओ उन्होंने अपना इलाज करवाया। उन्हें अपने के गांव के जो भी जिला के जो भी डॉक्टर हैं उन पर भरोसा नहीं था, और वहां जनता आप सोचिए कि बुरी बुरी हॉस्पिटलों में पड़ी रही, कई तो आप देखिए स्कूलों में पड़े रहे। तो ये हालत है, अब क्या कर सकते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 11 सितंबर 2019 को मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। कहाँ? मथुरा में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में पशुधन को प्रभावित करने वाले फुट एंड माउथ रोग, खुर पका एवं मुंह पका रोग और ब्रुसिलोसिस का नियंत्रण एवं उनका अनुमूलन करना है। इन रोगों के बारे में याद रखिए। यह कार्यक्रम पशुओं में टीकाकरण के माध्यम से 2025 तक फुट एंड माउथ रोग ब्रुसिलोसिस को नियंत्रित करने, अंततः वर्ष 2030 तक इनका उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया। एक तरह से 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसका वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक कुल परिव्यय आपका 12 दशमलव, माफ करिए, 12,652 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। कितना? 12,652 करोड़। याद रहे कि फुट एंड माउथ रोग विभाजित खुर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि में होने वाले अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। पिकोर नाविरिडी परिवार का एप्टो वायरस नामक विषाणु इस रोग का कारक होता है। इस रोग के कारक दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में तेजी कमी आती है। ब्रुसिलोसिस एक संक्रामक रोग है जो ब्रुसेला नामक जीवाणु से बैक्टीरिया से होता है। इसे भूमध्य सागरीय ज्वर या फिर माल्टा ज्वर के नाम से भी जानते हैं आप लोग, फीवर के नाम से, ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है, इसका एक तरह से दूसरा नाम है, ठीक है। प्राय मवेड़ी मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, कुत्ते इस रोग से प्रभावित होते हैं। इस रोग के कारण प्राय पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 11 सितंबर 2019 को ही प्रधानमंत्री ने मथुरा में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान, तो मुझे लगता है कि इतना आपका यह है आपका शरीर एवं स्वास्थ्य विषय वैज्ञानिक गतिविधियां जो भी हुई हैं, तो इन्हें मुझे लगता है अच्छे से, छोटी क्लास है लेकिन बड़े अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे आपका जो भी पर्यावरण के, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में 2019-20 में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। अभी देखिए हल्की हल्की छोटी छोटी क्लासें रखी जा रही हैं। आगे मैं लास्ट में क्या करूंगा, इसे खत्म करने के बाद आपका पूरा एक कर दूंगा सभी को जोड़कर, ठीक है।